हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश। आप देख रहे हैं एशियन टेक्नोलॉजी। इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से कंट्रोलर काम करता है और किस तरीके से कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोल करता है व्यूज को और सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, चलिए अपने कोड में जाते हैं। तो ये है मेरा कोड एडिटर। अगर आपको पता होगा कि तो हमें लास्ट वीडियो में यहाँ पर कुछ बनाए भी थी एप्लीकेशन के अंदर। चलिए मैं उसको रन करके दिखाता हूँ जो पिछली वीडियो में हमने किया था। मैं अपना स्टार्ट करता हूँ, जंप, ये हो गया। ये तीन फाइल जिला आप करें ना करें कोई मैंने नहीं पता कि माई एस क्यू वाला ये 5200 इसको करना ही चाहिए, लेकिन मैं उसको भी कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा लोकल होस्ट, उसके बाद में उस फाइल का नाम। अब फाइल का नाम क्या है मैं चल के एक बार देख लेता हूँ। मेरे यहाँ पे सी में आइए, जंप के अंदर जाइए, एचडी है ना, इसके अंदर जाइए और देखिए मेरे फाइल का नाम क्या है, कोऑर्डिनेटर है। तो मैं वहाँ पे क्या सर्च लिखूँगा, यहाँ पे लोकल होस्ट के बाद लिखूँगा कोऑर्डिनेटर। देखिए आ गया। जब मैं यहाँ पे जब जैसे ही मैं यहाँ पे इंटर करूँगा तो किस वेबसाइट पे जाएगा वो पता है आपको? आपको याद होगा शायद, मुझे लगता है। अगर नहीं याद तो देख लेते हैं एक बार। जैसे ही मैं यहाँ पे इंटर करूँगा तो ये चला जाएगा कोऑर्डिनेटर पे। इसका मतलब क्या है कि ये चला आएगा सीधे इस वाले फाइल पे, है ना, यानी कि आपके वेबसाइट में अंदर जहाँ पे कोऑर्डिनेटर है उस पे चला आएगा। तो यहाँ पे आने के बाद में वो कहाँ पे जाएगा, जाएगा अपने एप्लीकेशन के अंदर। चलते हैं एप्लीकेशन अंदर, चलते हैं देखते हैं क्या है। यहाँ पे आएगा, फिर इसके अंदर किसके अंदर पहले जाएगा, सबसे पहले बार वो हमेशा कहाँ जाता है, कन्फिग के अंदर जाता है। तो कन्फिग के अंदर आने के बाद में आप कहाँ आएगा, ये राउट पर आएगा, देखेगा कि मुझे किस कंट्रोलर पे जाना है। यहाँ आने के बाद में क्या होगा, उसे उसे पता चलेगा कि किस कंट्रोल में उसे जाना है। तो यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं कहाँ पे जाएगा, ये आ गया। तो कहाँ पे जाएगा देखिए, तो डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर यहाँ पे है, मैं इसको फुल कर देता हूँ। डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर यहाँ पे है और जाएगा कहाँ पे, वेलकम पे, यानी कि वेलकम नाम का जो कंट्रोलर है उस पर जाएगा। तो यह देखते हैं, रिफर करके देखते हैं हमारे पास है कि नहीं कोई वेलकम नाम का। देखिए कंट्रोलर यहाँ आ गया, इसके अंदर वेलकम नाम का है कि नहीं कोई, यहाँ पे है, यानी कि जब भी कोई ओपन कर रहा है तो पहले कहाँ आ रहा है, इस पे आ रहा है। आपको समझ आएगा अगर इतना, क्योंकि मैं यही घुमा घुमा के बहुत बार बता रहा हूँ। उसके बाद में जब इसके अंदर आ जाएगा, ये तो आपको समझ आ रहा होगा, कल का वीडियो देख लीजिए आपको समझ आ जाएगा ये क्या है। उसके बाद में इसके अंदर आ जाने के बाद में क्या करेगा, वो इंडेक्स खोजेगा, इंडेक्स फंक्शन कहाँ पर है। तो देखिए फंक्शन यहाँ पर और इंडेक्स यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, है ना। यहाँ पर आ जाने के बाद में इसके अंदर आएगा, अब क्योंकि ये फंक्शन का जो काम सारा है इसके अंदर होगा, तो अब इसके अंदर आएगा और देखिएगा इसके अंदर प्रिंट क्या करवाना है। तो देखिएगा क्या है, देखिए यहाँ उसको क्या मिलेगा, दिस मतलब इसी एप्लीकेशन के अंदर लोड किया है, किसको लोड किया है, व्यू को। अब व्यू में चला जाएगा, फिर अब देखते हैं यहाँ पर यही सब है सारा कुछ आ गया। व्यू देखिए यहाँ पर, यहाँ पर देखिए कहाँ पर आएगा, वो व्यू पर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर लोड किया व्यू को। व्यू पे आएगा, किसको लोड किया व्यू में, वेलकम मैसेज को किया है, व्यू में लोड किया वेलकम मैसेज को, यानी कि इसको मैसेज किया ना। तो अब इसके अंदर जो कुछ होगा इन सब को क्या कर देगा, ये प्रिंट कर देगा, यानी कि क्या है देख लीजिए यहाँ पे, आपको समझ आएगा शायद। यहाँ यहाँ से देखिए आपको समझ आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ, ये देखिए जो यहाँ पे है ना वही यहाँ पे आ गया। तो ये है URL के बारे में, हम URL के भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी बस फिलहाल आप समझिए कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोलर, कि कंट्रोलर किस तरीके से कंट्रोल करता है व्यू को, लेकिन मॉडल को किस तरीके से करता है, जब हम मॉडल पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे मैं आपको समझाऊँगा कि किस तरीके से ये मॉडल को कंट्रोल करता है। तो चलिए हम देखते हैं कुछ। तो अब हम आते हैं अपने फाइल पर, फाइल के अंदर जाते हैं, कंट्रोलर जहाँ पर है, कल हमने कुछ बनाया था यहाँ पे, लेकिन फिर और बना लेते हैं एक बार और। तो हम किस नाम से बनाएं इसे, चलिए मैं स्कूल नाम देता हूँ, आपको जो इच्छा लगता है आप दे सकते हैं, school.php। मैं बना लेता हूँ उस पर फाइल, ओपन करता हूँ, शायद ये आपको पता चल गया होगा क्लास है उसका नाम क्या होगा, स्कूल, करेक्ट, नहीं करेक्ट तो है लेकिन ये बारे में इसको जब आप इस तरीके से लिखेंगे तो कोई भी नहीं समझेगा कि वो क्लास है। पहला कैप लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। तो मेरा क्या है, स्कूल हो गया, एक्सटेंड करेगा, कैपिटल हो रहा भाई, एक्सटेंड करेगा किसको,
CI underscore controller को। अब इसके अंदर जो होगा ना हमें उसी को प्रिंट करवाना है। तो इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं, वो फंक्शन कैसा होगा, पब्लिक होगा। फंक्शन बनाते हैं, उसका क्या नाम रखते हैं, इंडेक्स, आपकी मर्जी जो आप चाहें वो रख सकते हैं। लेकिन हम जब पढ़ रहे हैं कंट्रोलर, तो अब क्या है कि अगर आप व्यू के अंदर कुछ लिखेंगे, कुछ पेज बनाएंगे, तो इस पेज को क्या करेंगे, आप यहाँ पे लोड करवा सकते हैं। आपको मैंने पिछली वीडियो में समझाया था ये। लेकिन अगर आपको यहाँ पे ना बना के, मैं कंट्रोलर हम पढ़ रहे हैं, आप सारा काम इसी में करना चाहते हैं, वो भी हो जाएगा। आप यहाँ पे HTML का भी कोड लिख सकते हैं, आप यहाँ पे सारा कुछ करवा सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक ईको जो बताया था लास्ट बार बताया था आपको, आप ईको करके उसे यहाँ पे जो चाहें वो यहाँ काम करवा सकते हैं। जैसे कि हेलो वर्ल्ड हो गया, हेलो वर्ल्ड हो गया, अब इसको क्या करवा सकते हैं, आप प्रिंट करवा सकते हैं। तो अब चलते हैं एक बार अपने URL पे। अब क्या होता कि कंट्रोलर के अंदर तो आ गया, लेकिन ये उसी को कॉल कर सकता है जो यहाँ पे क्या होगा, डिफ़ॉल्ट में होगा, आपको पता होगा। और उसके अलावा अगर कोई दूसरा कंट्रोलर आपको कॉल करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पे। समझा गया, क्या करना पड़ेगा, उसका नाम लिखना पड़ेगा। चलिए एक बार दिखाता हूँ आपको, मैं कुछ यहाँ पे एरर भी करवाऊँगा, आपको समझना चाहिए कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, स्कूल लिख रहा हूँ। अब देखिए स्कूल हो गया ना, तब यहाँ पे आ जाएगा, नहीं आया, क्यों, क्योंकि स्कूल के तो अंदर तो वो आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ तक पहुँच गया है ना। लेकिन क्या है कि जब भी आप जो मेन फाइल है उसको ही सिर्फ आप इस तरीके से कर सकते हैं, उसके बाद में जो भी फाइल आएगा, जो भी फंक्शन आएगा ना, जो भी यहाँ पर जहाँ से जो भी फाइल कॉल करना हो आपको, तो आपको इंडेक्स लिखना पड़ेगा, index.php, उसके बाद में उसका नाम लिखिए जिसको आप कॉल कर रहे हैं। इसीलिए क्यों बताया है, क्योंकि आपको ये पहले पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने बता रहा था आपसे कि मैं यहाँ पर मिस्टेक कर रहा हूँ, आपको याद होना चाहिए। ये देखिए आ गया। तो ये है कंट्रोलर, इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, यहाँ पे कंट्रोलर को में फिर इसे प्रिंट करवा सकते हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि आप इसी कंट्रोलर के ज़रिए आप व्यू पे और मॉडल का भी सारा डाटा यहाँ पे ला सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक सम दिखाता हूँ, यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे बनाता हूँ, एक और बनाता नहीं हूँ, यहाँ पे एक बना हुआ है ब्लॉग नाम का। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लोड करवा लेता हूँ, यहाँ पे क्या करवाता हूँ, लोड करवा लेता हूँ एक और फाइल बना के यहाँ पे, फंक्शन, पब्लिक फंक्शन, और उसका नाम क्या रखते हैं, ब्लॉग हो गया। अब इसके अंदर क्या करवाते हैं, इस ब्लॉग जो नाम का व्यू है ना, उसको यहाँ पे लोड करवाते हैं। तो लोड करवाने के लिए क्या होता है, दिस लोड किसको, व्यू को, और क्या नाम है उसके अंदर जो है, ब्लॉग है। मैं ये सारा पिछली वीडियो में सबको समझा सका हूँ आप सभी को, तो इसीलिए ये सब आप समझ रहे होंगे बहुत आसानी से। फिर भी देखते हैं ये आ गया। लेकिन अब क्या है कि जब इसको आपको कॉल करना है, तो इस ब्लॉग का जो नाम है ना, इसको आपको इसके बाद में देना होगा, जो यहाँ पे कंट्रोल जो मेन फाइल का नाम है स्कूल, देखिए कंट्रोल के अंदर मेन फाइल का नाम है स्कूल के बाद में अंदर आने के बाद में इंडेक्स को कॉल करेगा। इसको ही सिर्फ कॉल कर सकता है, इसको नहीं कॉल कर सकता। इसीलिए अगर इसको आपको चाहिए, आप इसको अंदर जो है उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो जहाँ पे ये फाइल जो फंक्शन है ना, इसको यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। अब देखिए, ये देखिए आ गया, जो हमारे व्यू के अंदर था सारा डाटा यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से ये जो कंट्रोलर है इस व्यू को कंट्रोल करता है और मॉडल को भी कंट्रोल करता है। लेकिन अभी मॉडल को मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको मैं अभी बताया ये तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ भी आता होगा, आप जल्दी से ही अच्छा प्रोग्रामर भी बन जाएंगे। तो क्या है कि आप मॉडल के बारे में ये हो गया, और बात क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, अभी कंट्रोलर पढ़ रहे हैं हम, तो और हम क्या क्या पढ़ सकते हैं इसके अंदर। हमने जब भी हम कोऑर्डिनेटर का फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, तो हम इसमें बहुत कुछ काम करते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, एक दो यहाँ पर नीचे आके मैं बता रहा हूँ आपको, मैं हम लोग कंट्रोलर के अंदर क्या क्या करते हैं। हम बहुत कुछ करते हैं, जैसे कि फॉर्म बनाना, वो भी हेल्पर को लोड करवाना,
या लाइब्रेरी होता है बहुत ज़्यादा, इसमें कोडिनेटर में पूरा बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज है, लाइब्रेरीज को लोड करवाना, मॉडल को लोड करवाना, व्यू को लोड करवाना और URL जो होता है ना उसको राउट करवाना, ये सारा काम हम कहाँ पे करते हैं, मॉडल के अंदर करते हैं। इसीलिए हम क्या होता है कि मैंने इसको आपको ये पढ़ा रहा था कि एक कंट्रोलर किस तरीके से काम करता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आज कि इसमें ही आप अगर आपको लोड करवाना है कुछ भी तो आप इस तरीके से नाम लिख के उसको लोड करवा सकते हैं। तो किसी को भी अगर आपको लोड करवाना है ना इस इन सब चीज़ों में से, चाहे ये हो, चाहे टेबल हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आपको चाहिए आपके एप्लीकेशन में, तो आपको व्यू में आके ना उसका जो कोडिंग होता है ना सारा, इसके फॉर्म का एक कोडिंग होता है, एक टेबल का एक कोडिंग होता है, वो सब नहीं करना पड़ेगा आपको। बहुत आसानी तरीके से आप हेल्पर लोड करवा लीजिए, उसके अंदर फॉर्म भी मिल जाएगा आपको, उसके अंदर आपको टेबल भी लाइब्रेरी लोड करवा लीजिए, उसको अंदर आपको टेबल मिल जाएगा। इस तरीके से हम सारा काम कहाँ से कर लेंगे, यहीं से कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ से करने के बाद में उसको यहाँ पे कॉल कर लेंगे व्यू में, उसके बाद में हमारा काम होगा, स्टार्टिंग हो जाएगा। तो बहुत आसान है। चलिए मैं दिखाता हूँ किस तरीके से लोड करते हैं इस किसी भी चीज़ को, क्योंकि हम कंट्रोल पढ़ रहे हैं तो कंट्रोल में हमें जाना ज़रूरत है कि हम किस तरीके से लोड करवा सकते हैं। तो जब भी अगर आपको कुछ इन व्यू के अलावा व्यू को छोड़ देते हैं, क्योंकि व्यू को तो जिसके अंदर कॉल करना है आपको वहाँ पे लोड करवाना होता है। व्यू के अलावा अगर आपको कुछ और लोड करवाना है तो ये सबसे ऊपर ही आप लिख देंगे, यहीं पे आप यहीं पे करवा लें, थोड़ा बेस्ट हो जाता है। अगर आप इसके अंदर चाहते हैं तो भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन जब इसके अंदर लिखेंगे आप तो उसको यहाँ पे कॉल नहीं कर सकते। समझ आ गया होगा आपको ना, अगर मैंने यहाँ पे किसी को लोड करवा दिया तो यहाँ पे करवाया तो मैं इसके अंदर कॉल नहीं कर सकता। इसके अंदर कॉल करने के लिए आपको फिर जो ये वाला क्लास है ना, इस तरीके से आपको यहाँ पे फंक्शन यूज करना होगा, लेकिन वो सारा बहुत झमेला रहता है, बहुत बड़ा रहता है वो सारा कुछ। तो हम कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि जहाँ पे हम एक बार अगर फंक्शन बना लें तो जहाँ चाहें आप वहाँ पे इसके पूरे प्रोग्राम के अंदर काम कर सकें, इसको यूज कर सकें। इसलिए तो मैं बोलते हूँ कि यार ये जो कोडिनेटर है ना, ये आपका कोड भी बहुत क्लीन करता है और बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से आपका वेबसाइट को बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत ही फास्ट तरीके से रन करता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरत है। जैसे कि आप देखिए, अगर मैं इसके अंदर किसी भी चीज़ को यूज बना रहा हूँ, कोई फंक्शन या कोई प्रोग्राम बना रहा हूँ इसके अंदर, या कोई फंक्शन मैं लोड करवा रहा हूँ, जैसे कि अभी तो आपने हमने लोड किया व्यू, इस तरीके से हमें लोड करना होगा हेल्पर, हमें लोड करना होगा लैंग्वेज, हमें लोड करना होगा लाइब्रेरीज, ऐसे बहुत कुछ लोड करना होगा। तो अगर इन सब को व्यू के अलावा इन सब को लोड करना है, चाहे मॉडल चाहे लाइब्रेरी कुछ भी हो, तो हम इसके अंदर अगर कर देते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं एक और सेम इसी तरीके से लोड करवाना होता है, दिस लोड, अब व्यू को तो यहीं करवा लिया, अगर मान लो मुझे मॉडल करवाना है या मुझे लाइब्रेरी करवाना है या हेल्पर करवाना है, कुछ भी करवाना है, यहाँ से देख लीजिए आप, ये है सारा कुछ, हेल्पर है, लैंग्वेज है, लाइब्रेरीज है, मुझे हेल्पर लोड करवाना है, तो सेम इसी तरीके से होगा। अब हेल्पर के अंदर आपको किस तरीके का हेल्पर करवाना है इसके अंदर आप लिखेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन आप जब सिस्टम में आएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि क्या 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 होता है फॉर्म हेल्पर के अंदर। मैं आपको समझाऊंगा आराम आराम से, इसके अंदर हेल्पर के अंदर होता है फॉर्म होता है और कुछ ऐसे बहुत कुछ होता है, URL होता है, HTML होता है। तो अगर हम यहाँ पे इसे लोड करवा दे रहे हैं तो क्या होता है कि अगर मुझे इसी हेल्पर का काम लग गया यहाँ पे तो हम इसे कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसके अंदर पड़ जा रहा है। तो कॉल भी कर भी सकते अगर हैं तो क्या होता है, हमारा प्रोग्राम बहुत स्लो हो जाता है। इसीलिए इन सभी चीज़ों को व्यू के अलावा अगर आपको कुछ और लोड करवाना है तो आप सिंपली यहाँ ऊपर आएँ, यहाँ ऊपर लोड करवाएँ। उसके लिए भी एक जैसे कि ये फंक्शन है ना, इसे ये सेम बनाते हैं फंक्शन, इसी तरीके से एक और फंक्शन है यहाँ पे, उसे डिफ़ॉल्ट बोला जाता है कि उसे किसी भी जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं, उसे बोला जाता है कंस्ट्रक्टर। तो हम यहाँ पे आके एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और उसको बनाने के बाद में आप जहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको हटा दूँगा अभी, क्योंकि मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे ऊपर चाहिए, ये हटा दिया वहाँ से। अब ऊपर आए सबसे ऊपर, आप सेम तरीके से उसी तरीके से लिखें, पब्लिक फंक्शन लिखें या फंक्शन लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता, पब्लिक फंक्शन। अब बनाएंगे हम कंस्ट्रक्टर, देखिए कंस्ट्रक्टर का क्या स्पेलिंग फिर मिस्टेक नहीं हो जाए, कंस्ट्रक्टर बनते हैं लेकिन लिखते हैं कंस्ट्रक्ट,
ए बनाते हैं फंक्शन और नीचे आइए। अब इस तरीके का कोई भी चीज़ अगर आपको लोड करवाना है व्यूज के अलावा, तो सारा कुछ अपलोड इसके अंदर करवाएंगे, इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर। इसे याद कर लीजिए, ये क्या है कि कंट्रोलर जो CI है ना, CI का मतलब जो कोऑर्डिनेटर है ना, उसका ये फंक्शन है। ये हमारा फंक्शन नहीं है, ये इसका ही फंक्शन दिया हुआ है। तो इस तरीके से काम करते हैं ये फंक्शन जो है ऊपर। अब यहाँ इसको जहाँ चाहें आप, यहाँ पे चाहें यूज़ करें, यहाँ पे चाहें यूज़ करें, या और जब आप फाइल बनाएंगे आप जहाँ चाहें वहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर के अंदर आ गया, यानी कि डिफॉल्ट के अंदर आ गया। लेकिन एक चीज़ होता है, आप इस तरीके से इसे डिफाइन नहीं कर सकते। इसको अगर आपको करवाना है कि ये जो है ना CI का है, यानी कि कोऑर्डिनेटर का है, तो अब देखिए यहाँ पे डैश लगाया हुआ है। इससे पहले आपको दो डैश लगाना होता है, ऐसे डबल होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए डबल है ये। तो क्या हो जाएगा कि ये जो फंक्शन है ना, पब्लिक फंक्शन, ये जो कंस्ट्रक्टर है, अब ये हो गया कंप्लीट कंस्ट्रक्टर। अब इसे इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे, जो भी हो, आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो। समझ आ रहा होगा आपको, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। तो अब देखिए, आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे व्यू के अलावा जो भी अगर आपको लोड करवाना है, तो सारा कुछ आप इसके अंदर करें, ताकि उसे हर बार यूज़ करना पड़ सकता है। लेकिन व्यू को क्यों नहीं करते हैं हम वहाँ पे, क्योंकि ब्लॉक जो भी होता है वो ब्लॉक के अंदर हो जाए, काम ख़त्म, फिर उसे यूज करने की जरूरत नहीं पड़ता, फिर दोबारा क्या होता है इसको यूज नहीं करना पड़ता। लेकिन जो है हेल्पर है, वो तो यहाँ पे भी काम लग सकता है, यहाँ पे भी काम लग सकता है। और जैसे ऐसी तरीके से आपको मैं मॉडल बताता हूँ, जो मॉडल लोड करेंगे, हम लोड करेंगे मॉडल को। अब इसके अंदर भी उसका नाम होगा मॉडल का। अब देखिए, अब अरे भाई ये नहीं होगा, ये हो गया। अब देखिए, अब जो मॉडल है ये तो डाटाबेस है, आपको मैंने बताया था कि डाटाबेस मतलब कहने का मतलब क्या है कि मॉडल है। अब डाटाबेस को तो यहाँ पे भी काम लगेगा, यहाँ पे भी काम लगेगा, और भी जगह पे काम लगेगा, है ना। तो मॉडल के लिए भी आप किसी एक के अंदर ना करके आप इसी पे कॉल करवा लें, ताकि उसे बार बार यूज़ करें, क्योंकि डाटाबेस में तो हर काम में काम लगेगा, डाटाबेस को हर जगह पे फंक्शन में काम लगेगा डाटाबेस। तो जहाँ जहाँ आपको काम लगता है, आप यहाँ पे लोड करवाने के बाद में उसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ किस तरीके से करना है मैं आप नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको, जब हम आराम से पढ़ रहे हैं अभी। तो यहाँ इस तरीके से काम करते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर इस तरीके से आप लिखते हो ना, तो थोड़ा अभी तक ये कम्प्लीट नहीं है। इसे अगर कम्प्लीट करने के लिए आपको इससे पहले, सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है पेरेंट, और ये दो बार लगाना पड़ता है, डबल अंडर स्कोर, फिर उसका नाम, जो ये नाम ऊपर है ना, यही नाम से हम यहाँ पे लाना है। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और ये लगा दीजिए, अब काम करेगा ये, अब ये अच्छा हो गया। इस तरीके से इसे करा जाता है, क्योंकि ये पेरेंट्स ये बता रहा है कि ये पेरेंट है, मतलब ये घर का मेन मालिक है, यानी कि ये जो इसके अंदर है ना, ये घर का मालिक है। मालिक होने का मतलब क्या है कि वो कहीं पर भी यूज़ करवा सकते हैं, उसका जो इसके अंदर जो भी पड़ेगा ना, उसे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसे बोला भी जाता है पेरेंट कंस्ट्रक्टर। आपको शायद समझ आ गया होगा ये सारा कुछ। समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, समझ नहीं आया तो एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं दोबारा से। चलिए ओवरव्यू करते हैं एक बार, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ तक हमने पहले ही हम कर चुके हैं, पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं, और ये दूसरी बार भी हम पढ़ रहे हैं। तो हम क्या बता रहा था मैं आपको, कि अगर आपको व्यू के अलावा कोई भी चीज़ लोड करवाना हो, तो आप इसके अंदर ना करें। क्यों ना करें, क्योंकि उसे बार बार लोड करवाना पड़ सकता है। तो कोऑर्डिनेटर हम पढ़ रहे हैं इसीलिए कि कोडिंग एक बार लिखें और उसको बार बार यूज़ करें। लेकिन अगर आप बार बार ही कोडिंग कर रहे हैं, तो क्या होता है कि उसका कोऑर्डिनेटर यूज़ करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। इसीलिए क्या होता है, इसको कोडिंग आप छोटा करने, जैसे भी हो सकता है कोऑर्डिनेटर को छोटा करना चाहें। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको इससे पहले ही सबसे शुरू में आना पड़ता है, और आपको क्या करना पड़ता है, सेम इसी तरीके से आप बनाते हैं फंक्शन, बनाते हैं सेम ऐसे ही, लिखते हैं पब्लिक फंक्शन, लेकिन उसका नाम होगा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर नाम लिखने से पहले दो अंडरस्कोर हो जाएगा, ठीक है, कंस्ट्रक्टर बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, लेकिन लिखते हैं कंस्ट्रक्ट, ये हो गया। देख लीजिए इसमें, और इसमें कोई भी फर्क नहीं है, सेम है, सिर्फ नाम क्या होता है हमेशा यही रहेगा, कंस्ट्रक्टर और अंडरस्कोर।
उसके बाद में जब इसके अंदर आएंगे सबसे पहले हमेशा पेरेंट कॉल करेंगे कि मतलब ये पेरेंट है। उसके बाद में जो यहाँ पे नाम होगा, यानी कि नाम तो हमेशा ही होगा, ये तो है ना कि इसे चेंज कर सकते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और ये कर दीजिए। आई थिंक यू आर जीनियस, यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। मुझे लगता है आपको सारा कुछ समझ आ रहा होगा। तो ये हो गया। अब इसके अंदर आपको जो जो लोड करवाना है आप इसके अंदर लोड करवाएंगे, चाहे मॉडल हो, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे लाइब्रेरीज हो, या कोर हो, या हेल्पर हो, कुछ भी हो आप इसके अंदर करवाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको कि मॉडल लोड करवाने के लिए तो लोड लिखते हैं, किस पर लोड करवाना है। यहाँ पे देखिए आपको व्यू को करना था तो व्यू लिखे थे, अब यहाँ पे किसको करना है, मॉडल को। उसके बाद में इसके अंदर लिखेंगे उसका नाम, जो मॉडल का नाम होगा, जैसे कि यहाँ पे इसका नाम ये है, यहाँ पे इसका नाम कुछ हो सकता है, मॉडल का नाम लिखेंगे यहाँ पे, इसको सेमीकोलन लगा देंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए डाटाबेस एक बार आपने यहाँ पे कर लिया, उसके बाद में इस डाटाबेस को आप चाहे यहाँ पे यूज़ करें, चाहे यहाँ पे यूज़ करें, चाहे और फंक्शन में यूज़ करें, जहाँ चाहें वहाँ यूज़ कर लें। लेकिन अगर आपने ये फंक्शन नहीं बनाया तो इसी डाटाबेस को आपको यहाँ पे भी कर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, और फंक्शन आपको हज़ारों फंक्शन ऐसा हो सकता है आपके प्रोग्राम में। अभी तो छोटा है, जब हम बड़ा काम करेंगे ना, जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि ऐसे ऐसे 15-20 भी हो सकता है इस तरीके से। तो वहाँ पे आपको छप के अंदर कॉल करना पड़ता है सिर्फ एक ही, ये तो अभी एक ही है ना, लेकिन इस तरीके का आपका जो लोड करवाते हैं यहाँ पे बहुत कुछ लोड करवाना पड़ेगा, हेल्पर, लाइब्रेरी और लैंग्वेज व्यू सबको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो लाइन बहुत बड़ा हो जाता है। इसीलिए छोटा करने के लिए यहाँ पे एक बार करवा लें, बात ख़त्म, आपको 10 बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आज को समझाना आपको इतना ही था, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसमें कंप्लीट कोर्स मिलेगा। और ये चैनल बनाया हूँ सिर्फ आप सभी के लिए कि ताकि आप सभी को मैं जो अपने इंजीनियरिंग में कर चुका हूँ और जो मैं कर रहा हूँ, जो अभी मैं अपने पढ़ने का प्लानिंग कर रहा हूँ ना, वो सभी आपको सिखा सकूँ बहुत ईजिली। और मैं अपने वीडियो को कभी भी 0% भी एडिट नहीं करता हूँ। अब 0% का मतलब तो उससे कम तो हो नहीं सकता, मैं अपने वीडियो को एडिट करता ही नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास उतना टाइम भी नहीं होता। जैसा मैं वीडियो बनाता हूँ वैसे ही आपके पास पहुँच जाता है, वैसे ही मैं अपलोड करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद भी आया होगा। मैं हो सकता है कि मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है मुझे समझने में थोड़ा दिक्कत हो, क्योंकि मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, मेरा उर्दू उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश तो बहुत अच्छा करता हूँ कि मैं अच्छे तरीके से बोल सकूँ, आपको अच्छी तरीके से समझा सकूँ। तो आज के लिए इतना ही था, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।